नमस्कार, मैं हूं प्राची राजपूत और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए करते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों की शुरुआत। बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार इजाफा। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। सभी जिले इस वायरस की चपेट में हैं। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक कुल 23 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में किया जाएगा विकसित। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उद्योग विभाग ने फैसला लिया है कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की इकाई बिहार स्पंज सिल्क मिल्स बहादुर भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बेरोजगारों के लिए मनरेगा बना वरदान। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देश में लॉकडाउन लगने के कारण बेरोजगार होकर जिले में पहुंचे लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, जिससे लोगों की मुसीबत काफी हद तक दूर होती दिख रही है। तेजस्वी ने खोला पप्पू पांडे का चिट्ठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी जदयू विधायक के क्राइम रिकॉर्ड के बारे में ईटीवी भारत को बताते हुए कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की वर्चुअल रैली पर भी निशाना साधा। पीएम के आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र को साकार करता यह गांव। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही सरकार ने यहां विकास का काम नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि घर घर में हुनरमंद लोग मिल जाएंगे, जिस वजह से इन्हें गाँव के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भागलपुर में बस सेवा शुरू। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर बिहार में पिछले 2 महीने से बस सेवा को बंद कर दी गई थी, जिसे सोमवार से शुरू कर दिया गया है। बसों में एक सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी गई है। ज्यादातर पैसेंजर को बैठाने पर बस चालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 1.70 लाख की ठगी, 7 महिलाएं हुई शिकार। जमुई जिले में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीण महिलाओं ने डीएम को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। अनलॉक 1 में आज चलेगी 15 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। बिहार के कई स्टेशनों पर पहुंचने वाले प्रवासियों को बसों के जरिए संबंधित जिला में भेजा जाएगा। काफी संख्या में लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन केंद्रों पर भी ले जाया जाएगा। ज्यादातर लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। 9 जून को आरजेडी मनाएगी गरीब अधिकार दिवस। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी ने वर्चुअल रैली का विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि 9 जून को बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता 11 बजे से थाली पीट कर गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगी प्रवासी मजदूरों का प्रभाव। कोरोना और लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर तेजस्वी का अटैक। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की वर्चुअल रैली पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 9 जून को बिहार में वर्चुअल रैली का आह्वान किया। बिहार में ई रैली करेंगे अमित शाह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं डिजिटल इलेक्शन की बात बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही है, जबकि विशेषज्ञों का भी कहना है कि सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बिहार में डिजिटल चुनाव करना आसान भी नहीं। लॉकडाउन 5.0 की धज्जियां। भागलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। बावजूद इसके लोगों की भारी भीड़ पूरे बाजार में खरीदारी के लिए इकट्ठी हो गई है। वहीं सरकार की तरफ से तैनात पुलिसकर्मी तमाशबीन बने देख रहे हैं। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को रोकने की हिम्मत फिलहाल पुलिस भी नहीं जुटा पा रही है। छात्राओं को नहीं मिल रहा किसी भी सरकारी योजना का लाभ। MLC संजय प्रसाद ने छात्राओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए अविलंब जांच करने की बात कही। उन्होंने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निरीक्षण भवन बुलाकर जल्द से जल्द छात्राओं को सरकारी लाभ दिलाने के लिए कहा। मंत्री महेश्वर हजारी ने बहादुर बेटी ज्योति को किया सम्मानित। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में श्रवण कुमार की तरह ज्योति ने अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने की जो हिम्मत दिखाई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। उसकी हिम्मत की अमेरिका तक में चर्चा हुई। लॉकडाउन में व्यापारियों के कामों की अश्विनी कुमार चौबे ने की प्रशंसा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने व्यापारियों की लॉकडाउन में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग ने कोरोना संक्रमण के खतरे की परवाह न करते हुए लॉकडाउन में प्रत्येक नागरिक को जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराना लगातार जारी रखा।